के जरिए जहां भारत विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, वहीं मेक इन इंडिया के जरिए विदेशी कंपनियां भी भारत में निर्माण कर दुनिया भर में इसे एक्सपोर्ट कर रही हैं। देश भर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस काम को बढ़ाने में खास मदद कर रहे हैं। दिल्ली के सबसे करीब बसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन झज्जर के रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप ने जापान सहित दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान खींचा है। देखते हैं क्या खास है इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार से कनेक्टिविटी, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और सुरक्षा, उद्योग जगत को निवेश के लिए और क्या चाहिए। हरियाणा के झज्जर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में ये सब कुछ है। राजधानी दिल्ली से करीब होने की वजह से यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनियों की काफ़ी संख्या में 3-4 कंट्री से इंडस्ट्रीज आई हैं। जापान से 3 इंडस्ट्री आई है, फ्रांस से 1 है, कोरिया से 2 हैं और टोटल 10 इंडस्ट्रीज कार्यरत हैं, जिसमें 5,000 से 7,000 लोग काम कर रहे हैं और 10-12 और औद्योगिक इकाइयों निर्माणाधीन है और टोटल हम लोग करीब करीब 200 यूनिट्स को अपने एग्रीमेंट कर चुके हैं। करीब 8,250 एकड़ में फैले इस टाउनशिप में जापान की कंपनियां खास रुचि दिखा रही हैं। जापान की ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो ने यहां कंपोनेंट बनाने के लिए एक विशाल प्लांट लगाया है। हाल ही में टी सुजुकी ने भी यहां पे अपना प्लांट लगाया है और कंपनी 2021 से निर्माण काम शुरू भी करना चाहती है। पैनासोनिक के लिए तो ये टेक्नो पार्क उनकी भारत की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। इंडिया लार्जेस्ट कनेक्टेड एसीज हम इस प्लांट में बनाते हैं, वॉशिंग मशीन्स, ये रेफ्रिजरेटर्स, वेल्डिंग मशीन्स और कुछ कार ऑडियो के प्रोडक्ट इस प्लांट में हम बनाते हैं। हम ये आशा करते हैं कि अगले कुछ सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और दिल्ली एनसीआर से नजदीकी की वजह से यहाँ बसे उद्योगों के लिए उत्तर भारत के बाजारों की पहुँच आसान है। इसके अलावा देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों जैसे कि एम्स, IIT और XLRI ने भी विस्तार करने के लिए झज्जर को ही चुना है। यही कारण है कि झज्जर भारत में जापान सरकार की तरफ से उद्योगों के विकास के लिए चुने गए 12 साइट्स में से एक है। Well, the MIT is well located and it's very good access. And also they have an option to buy the land. So they can, the customer, they want to buy the land, that is a good option for them. बढ़ते निवेश ने उद्योगों के साथ साथ स्थानीय विकास और रोजगार की संभावना को भी बढ़ाया है। इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि बिजली पानी सहित किसी भी जरूरत के लिए इंडस्ट्री को बाहर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हम 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डेवलप कर रहे हैं, 220 KVA का सब स्टेशन बना रहे हैं। अब हम रेसिडेंशियल, कमर्शियल, स्कूल, कॉलेज, होटल, टेम्पल, सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। ये आसपास के एरिया का इतना विकास हुआ है, इससे इतने लोगों को रोजगार मिला है, पीपल आर वेरी हैप्पी। अब झज्जर METL अपने अगले चरण का काम तेजी से कर रही है। जिस तरह का विकास कार्य झज्जर सहित देश के तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो रहा है, वो इन्हें देश की आर्थिक विकास का इंजन बना रहा है। रोहन सिंह, झज्जर।